अगर आपके पीरियड इरेगुलर है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका पाचन सही नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको कई बार इनके कारण कमज़ोरी रहती है, तो अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको गर्भधारण करने में परेशानी तो आएगी ही। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और आप गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको माँ बनने की चाहत को पूरा करने में मदद करेगी। पहले के टाइम में हमारी दादी नानी या उनके भी पहले अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी तो वो एक ऐसी मैजिकल चीज़ का यूज़ किया करती थी जिससे उनका माँ बनने का सपना पूरा हो जाता था। क्या है वो मैजिकल चीज़, जानना चाहती हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज़ जिससे आपका भी गर्भ जल्दी ही ठहर जाएगा। गोंद का नाम तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। आप सभी के दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि सर्दी के दिनों में मम्मी गोंद के लड्डू बनाकर खिलाया करती थी, है ना। वो गोंद अलग है, मैं आपको गोंद कतीरा के बारे में बताने वाली हूँ। पहचान के लिए बता दूँ कि गोंद थोड़ा येलो और ब्राउन कलर का होता है, जबकि आपको जो गोंद कतीरा यूज़ करना है वो बिल्कुल वाइट होता है। इसकी टेंडेंसी कूल होती है तो इसे लोग गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई लोगों को हीट प्रॉब्लम होती है यानी उनका शरीर गर्म होता है, तो उन्हें ये ज़रूर लेना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों में पाई जाने वाली हर तरह की कमज़ोरी को ये दूर भगाता है, इसे शक्तिवर्धक माना गया है। आपको इसकी सही मात्रा की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी 2-3 डलियां लेकर उसे पानी में रात भर भिगो दें, आप देखेंगे कि आपने जितना गोंद भिगोया था वो फूल कर बहुत सारा हो जाता है और ये जेली फॉर्म में आ जाता है। अब आप इसे किसी ड्रिंक में दही में मिलाकर खा सकती हैं, या आप इसका ड्रिंक बनाना चाहती हैं तो आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसमें चीनी की जगह गुड़ या शहद मिला सकती हैं, या आप इसे नींबू पानी के साथ बनाकर पी सकती हैं, और अगर आप चाहें तो प्लेन पानी में भी मिलाकर इसे पी सकती हैं। इसे आराम से आप डेली पी सकती हैं, इसे खाली पेट पिएं ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप गोंद और गोंद कतीरा दोनों में अंतर समझ लें। यहाँ देखिए, गोंद देखने में थोड़ा ब्राउन सा लगता है और चमकीला होता है, जबकि गोंद कतीरा वाइट होता है। आप इसे देखकर ही पहचान जाएंगी। अगर आपको बाहर से ख़रीदने में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकती हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब आप और आपके हस्बैंड आज से ही इसे लेना शुरू कर दें और अपने घर में नन्ही किलकारियां गूंजने की तैयारी करें। और हाँ, इसे लेने में थोड़ी सावधानी भी बरतें। गोंद कतीरा पानी सोखता है, इसलिए आपको इसका सेवन करते टाइम ध्यान रखना है कि अब आप पानी खूब पिएं। गोंद कतीरा 2-3 डली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, इसकी सही मात्रा का प्रयोग ज़रूर करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नए इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के साथ।